आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे चैनल की ओर से। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि बीएड वाले बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं, सर क्या बीएड वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में उनका क्या होगा, एग्जाम तो उन्होंने दे दिया है। दूसरी बात, क्या अतिथि शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद में EWS कैटेगरी वाले वो भी कमेंट्स कर रहे हैं कि दोस्तों हमको इस EWS का लाभ नहीं मिला है, तो इसके बारे में भी आप हमारा डाउट क्लियर कीजिएगा। दोस्तों अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, थोड़ा आप लोगों के लिए मोटिवेट भी करूंगा। जैसे कि आप विगत कई दिनों से मेरे चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, और बहुत से भाई कमेंट्स यह भी करते हैं कि सर आपकी वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास हैं, अच्छी लगती हैं और बहुत सी जानकारी हमारे लिए मिलती है। अभी मैंने वीडियो डाली थी यूनिक कोड के बारे में कि अतिथि शिक्षकों का भी यूनिक कोड होगा, तो उसमें कई भाई परेशान हो रहे हैं, सर बताइए क्या यूनिक कोड हमको कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, आपको कोई भी दिक्कत और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी प्रक्रिया आपकी संकुल और बीओ ऑफिस से हो जाएगी, बाबू खुद क्लियर कर देगा, क्योंकि उनको ही यूनिक कोड जनरेट करना होता है जब अपना मानदेय निकलता है। तो अभी तो अतिथि शिक्षकों की फीडिंग नहीं हुई है, और जैसे ही फीडिंग हो जाएगी और आपका मानदेय दीपावली के समथिंग जो मानदेय मिलेगा आपको, तो मैं आपको बता दूंगा कि यूनिक कोड भी आपको आपकी गेस्ट आईडी पर दर्ज कर दिया जाएगा, जिससे आप भी देख सकते हैं। इसके बाद में बीएड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण आती है, अतिथि शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया वर्ग 3 जो परीक्षा हुई है, रिजल्ट आ चुका है, 70% फेल हो चुके हैं, 30% पास हुए हैं, उसमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाइयों अभी प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं क्या होता है। जो बीएड वाले उम्मीदवार हैं, जो पास हो चुके हैं, अच्छे खासे नंबर उनके आ गए हैं और अब वो शिक्षक बनने जा रहे हैं वर्ग 3 में, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला भी आया और कई लोग बोल रहे हैं कि वो तो नहीं चलेगी बीएड वर्ग 3 में, लेकिन बीएड के लिए प्राथमिकता मिलना चाहिए, इसके लिए मुहिम चलाई जाएगी। कई अतिथि Thank you.
नंबर होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो अतिथि शिक्षक के पद पर हैं और 2-4 साल से कंटिन्यू अतिथि शिक्षक में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी दोस्तों। और मेरे चैनल पर वो वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लाऊंगा जब अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की बात कही जाएगी। हालांकि एक वीडियो पुरानी है, मैं इस पर तो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अतिथि शिक्षक भाई संविदा कर्मी जो भी हैं बिल्कुल सबके लिए बुलाऊंगा मैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अतिथि शिक्षक बुलाने के अभी तक उन्होंने नहीं बुलाया है और अतिथि शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि हमारे लिए क्या कहें। सबसे पहले उनको मानदेय बढ़ा देना चाहिए, इसके बाद में जो भी सिचुएशन कंडीशन बनती रहे वो करते रहें आराम से, लेकिन मानदेय में वृद्धि जल्द से जल्द कर देना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी बहनों के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।